बीते 3 दिनों से जारी तेज बारिश के कारण थाने के कलवा में पहाड़ी का हिस्सा खिसक कर पास के एक मकान पर गिर गया। इस घटना में एक ही परिवार के 2 लोगों की मौत हो गई जबकि एक सदस्य गंभीर रूप से घायल है। कलवा के अटकोनेश्वर नगर स्थित आदर्श चाल में सोमवार की देर रात पहाड़ी का कुछ भाग लगातार बरसात के चलते खिसक कर पास के एक मकान पर गिर गया। यह घटना जब हुई तब मकान में जसवार परिवार के लोग गहरी नींद में सो रहे थे। घटना के तुरंत बाद ही परिसर के नागरिकों ने घर के सदस्यों को मलबे से बाहर निकाला। वनपा, आपातकालीन विभाग, अग्निशमन के जवान भी घटनास्थल पर मौजूद थे। इस घटना में पिता बीरेंद्र जसवार और 10 साल का मासूम सनी जसवार की मौत हो गई है जबकि मां नीलम उर्फ गुड़िया जसवार का उपचार कलवा के शिवाजी अस्पताल में चल रहा है। इस घटना के बाद आदर्श चाल में रहने वाले 20 परिवारों के 70 लोगों को अपने घरों से हटाकर नजदीकी ज्ञान गंगा स्कूल में स्थानांतरित कर दिया गया है। भूमाफिया करते क्या है, बारिश में ये जो मिट्टी आपको दिख रही है ये मिट्टी लूज कर देते हैं, ये मिट्टी पानी में बह के नीचे गटर में जाती है, वहाँ का गटर पैक हो जाता है, फिर बाढ़ आती है, उनको उससे कोई लेना देना नहीं। 10 झोपड़ियाँ बन गई, 30-30, 40-40 हज़ार से बेच दी, उनका साल भर का कमाई निकल गया। मेरी मांग है ये 2 जो झोपड़ियाँ बनाई हैं अभी बनी है, यहाँ से पंचनामा करो, जिसने भी ये झोपड़ियाँ बनाई हैं उनको ये मौत का जिम्मेदार ठहराओ और उसको तुरंत अरेस्ट करो। ये झोपड़ियाँ, ये इधर झोपड़ियाँ दिख रही, ऐसी झोपड़ियाँ यहाँ से वहाँ तक जिसको कारगिल 9 बोलते हैं वहाँ तक जाती है, उनको फिर हमें संडास देना पड़ता है, पानी देना पड़ता है, रास्ता देना पड़ता है। एक बार बस गए तो उनकी सेवा करना हमारा धर्म है, लेकिन ये जो अधर्म है उसको जो बचा रहे हैं वो इनके मौत के लिए जिम्मेदार है। या ठिकाणी काल रात्री 11:30 ते 12 दरम्यान हा अतकोनेश्वर आणि ज्ञानगंगाच्या पट्ट्यामधील डोंगराकडच्या भागाला रात्री संततधार 2-3 दिवस जो पाऊस पडतोय त्यामुळे भिंतीला तडा जाऊन या ठिकाणी एक रूम जी पूर्ण कोसळली आणि त्याच्यामध्ये रूमचा स्वतः मालक आणि त्यांचा मुलगा अशा 2 व्यक्तींचं रात्री या अपघाती आणि आपत्तिकारक यांनी निधन झालेलं आहे आणि त्यांचा पत्नी जी आहे ती कळवा शिवाजी हॉस्पिटलमध्ये उपचार घेत आहे। तसं पाहिलं तर ही खूप दुःखद घटना आहे आणि या ठिकाणी जी आमाप जी झोपडपट्टी या वनविभागाच्या जागेमध्ये आहे तर लोकांनाही या उपनगरांमध्ये राहायला काय वाटतं तुम्हाला अपेक्षा